वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो यहाँ पे अभी मैं आई थी उस्मान के साथ बाहर, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। अच्छा, कुछ मैंने ज़रूरी चीज़ें भी लेनी थी, और फिर जब मैं आई तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए भी एक दो चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारा इसके बाद ही खैर हमारा प्लान बना था। यहाँ पर हम थोड़े से कन्फ्यूज थे, तो वो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे एक तो लेना था सिरप, ये बड़ा मज़े का होता है। आजकल वेदर जो है ना वो इंशाल्लाह ताला भी चेंज भी हो जाएगा, अभी भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो ये मैं कॉफ़ी में भी डालती हूँ, ओट्स में भी डालती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और ये मैं कब से ढूंढ रही थी यहाँ पे, तो फाइनली एक ही ये रखा हुआ था। तो मैं उस्मान को कह रही थी देखें जो चीज़ नसीब में लिखी होती है ना वो आप ही को मिलती है, जो आपकी किस्मत में होती है। तो खैर ये मैंने एक ले लिया, और उसके बाद मैं आई तो मैंने कहा उस्मान मुझे एक यहाँ से अदरक लहसुन का पेस्ट भी उठा लें, तो खुद तो जब बनाऊंगी सो बनाऊंगी, तो चलो एक ले लेते हैं क्योंकि घर में ख़त्म हुआ हुआ था। अच्छा, हम यहाँ आए थे बेसिकली उस्मान और मेरा दिल था आइसक्रीम खाने का, क्योंकि अभी हमने खाना खाया था जो कि कल के ब्लॉग में मैंने शेयर किया था। तो अभी हमने कहा कि कुल्फ़ी आइसक्रीम वो दूसरी वाली जो होती है ना देसी वाली वो खाते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं थी। तो फिर उसके बाद ये मैंगो वाली तो हमने ली नहीं, तो हमने कहा चलो बस चलते हैं। और ज़रूरी एक दो और काम भी थे, वो भी हमने यहाँ पे किए, और अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। और इतनी बारिश हो रही थी ना यहाँ पे, तो अभी हमारा अच्छा प्लान क्या बना वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे वैसे ईद के 3 दिन भी बारिश होती रही, और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। अच्छा, घर जाने के बाद हमारा ये प्लान बना कि मेरे कज़न मुझे काफ़ी दिनों से मुझे और उस्मान को कह रहे थे, ईद से पहले ही कह रहे थे कि ईद आपने हमारे साथ करनी है, बहुत ज़्यादा कह रहे थे। तो हमारा जो है ना वो प्रोग्राम थोड़ा सा 50-50 था, क्योंकि कुछ हमारी और कमिटमेंट्स भी थी। लेकिन फिर हम बैठे थे, तो अभी जैसे ही हम घर आए ना, और रात के आई थिंक 1:30-2 बजे इस तरह से हम लोगों ने फिर टिकट ले ली। हमने कहा चलो चलते हैं, ईद मनाते हैं, ईद तो अपनों के साथ होती है, और थोड़ा सा ज़रा माइंड चेंज हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है अपनों से मिल के भी, स्पेशली ईद पे। तो हमने कहा चलो चलते हैं, बहुत ही सडनली हमारा प्रोग्राम बना। और आपको पता है कि हम तो दो हैं, तो उस्मान ने छुट्टियां भी ली हुई थी, तो इस वजह से भी हमने कहा चलो चलते हैं, और उनका जो है ना वीकेंड ऑफ था, तो हमने कहा इस तरह से चलते हैं कि सैटरडे संडे जो है ना वो थोड़ा सा फ्री मिल जाएगा, तो हम थोड़ा सा अच्छा टाइम गुजार लेंगे और थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश करके आएंगे। वैसे भी माह रमज़ान के बाद आपको पता है कि थोड़ी सी ज़रूरत होती है रिफ्रेश होने की। अच्छा, हमारी जो ट्रेन की टिकट है ना वो है 4:28 की, और हम लोगों ने 1:30-2 बजे इस तरह से ऑनलाइन ले ली थी टिकट, तो 4 बजे हम निकले, सुबह के 4 बज रहे हैं, और हम लोगों ने कैब बुक कराई थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये है यहाँ का सिटी सेंटर, और यहाँ पे लोग आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन लाइट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाइट्स थी, बड़ा मज़े का लग रहा था इस टाइम पे भी। और सुबह वैसे भी आजकल ज़रा जल्दी हो जाती है, लेकिन अभी यहाँ पे अंधेरा था। खैर जी, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं अंदर, और जल्दी जल्दी से सामान निकाल रहे थे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बिल्कुल टाइम पे पहुँचे थे। हम वहाँ जब गए ना तो समझे कि ट्रेन फ़ौरन ही रवाना हो गई थी। तो चलें जी, अब हम भाग भाग के यहाँ पे अंदर चलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर स्टेशन में भी कोई इतना ज़्यादा रश नहीं था, इस टाइम कोई भी नहीं था। तो एक चीज़ अच्छी थी कि हम टाइम पे भी पहुँच गए, और यहाँ पे रश भी नहीं था, बड़ा सुकून था। और यहाँ पे ना इस तरह से होता है कि 24 आवर्स बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। खैर जी, चलें अब भाग भाग के चलते हैं। उस्मान को बड़ी टेंशन हो रही थी कि हमारी ट्रेन ना चली जाए, लेकिन फाइनली हम बिल्कुल फिक्स टाइम पे पहुँच गए थे। और हम ट्रेन में आए तो आप देखें ट्रेन में भी कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही हम बैठे तो शुक्र है फ़ौरन ही ट्रेन रवाना हो गई थी। और अभी यहाँ पे इस स्टॉप पे फर्स्ट स्टॉप था, तो यहाँ पे कोई भी नहीं था ट्रेन में, तो बड़ा मज़ा आ रहा था, हम अकेले अकेले जा रहे थे। खैर जी, मेरा मूड भी अच्छा हो गया था, हमने कहा चलो थोड़ा सा इंजॉय करके आएंगे, एक दो दिन माइंड फ्रेश करके आएंगे। और इस टाइम पे ना उस्मान और मैं बड़ी गपशप लगा रहे थे, तो वैसे भी रोज़ों की आदत रूटीन तो ऐसे ही है कि रात को हम वैसे भी नहीं सोते, तो अभी भी वही आदत है कि इस टाइम पे भी सुबह को हम काफ़ी फ्रेश बैठे थे और यहाँ पे काफ़ी गपशप लगा रहे थे। अच्छा, यहाँ पे सुबह होना स्टार्ट हो गई थी, मैंने रास्ते की ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं क्योंकि अंधेरा था, और अभी सुबह होना स्टार्ट हो गई थी 5:30 बजे।
और इस टाइम की एक सबसे अच्छी बात ये थी कि इस टाइम ना बहुत जल्दी पहुंचा रही थी ट्रेन। अच्छा, ये रात जो हम खाना खाने गए थे ना, इन्होंने हमें चॉकलेट्स दी थी वहीं पे, तो ये मैंने बैग में रख ली थी। तो अभी मैंने कहा चलो उस्मान चॉकलेट्स खाते हैं, रात तो हम बस सारी रात भागते दौड़ते हमारी इसी तरह से गुजर गई। तो अभी ये मैं कह रही थी उस टेस्ट करें किस तरह से है, तो यही खा लेते हैं। वैसे हमने रास्ते में ना पानी रखा, ना खाने की कोई चीज़ रखी, बस यही बैग में थे। इस बार तो पानी भी मैंने नहीं रखा। हमारा हाफ रास्ता हो चुका है उस्मान, हाफ सफर हमारा गुजर चुका है और नॉर्थ साइड पे हमें कितना प्यारा गिरते हुए तो छोटे बादल देखे, बादलों में आए हुए हैं, बड़ा प्यारा बाहर का व्यू आया हुआ है, बड़ा मजा आ रहा है। मूड एकदम से हमारे बड़े अच्छे हो गए, बालों में मेरे बम फटा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना आप देखें जैसे ही ट्रेन हाफ रास्ता डन कर लिया था ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आना स्टार्ट हो गए थे। और अभी टाइम भी थोड़ा सा हो गया था क्योंकि अभी तो वीकडे ही है यहाँ पे, सैटरडे संडे आगे ऑफ होना था और फिर टिकट्स भी नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे बस बड़ा अच्छा लग रहा था सुबह होते देख के, लोगों को देख के मेरा मूड तो, हालांकि मुझे नींद तो खैर नहीं आ रही थी लेकिन मेरा मूड बड़ा अच्छा हो गया था। अच्छा खैर, हाफ रास्ता डन हो गया और अब उसके बाद हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे उतर के ना दूसरी ट्रेन चेंज करनी थी क्योंकि वन स्टॉप का यहाँ पे थोड़ा सा 20-25 मिनट का स्टे भी था। तो बस अभी हम जा रहे हैं और थोड़ा सा हम वेट करेंगे, फिर हमारी ट्रेन आएगी तो फिर हम अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे। अभी 20 मिनट बाद आएगी ना, चीज़ें देख लें अपनी पहले सारी हैं, फिर मैं नीड बताती हूँ मुझे किसकी है। आज ये ट्रेन बड़ी रंग बिरंगी हुई भी है, किस चीज़ के कलर्स इन्होंने ऐड किए हैं, बड़ी रंग बिरंगी आज ट्रेन देखे ना, होती नहीं है वैसे ऐसे कलर में। एंड तक रंग बिरंगे डब्बे। और ये बड़ी लंबी है ट्रेन, ये वाली तो बहुत लंबी है। उधर देखिए कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, बहुत लंबी है। और उधर देखें, ये देखें बड़ी लंबी है आज तो ट्रेन। इस ट्रेन के ना मुंह दोनों तरफ होते हैं, आगे भी और पीछे भी। मुझे शुरू शुरू में बड़ा अजीब लगता था। हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमारी ट्रेन है 20-25 मिनट के बाद दूसरी आएगी, अभी नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। वेट कर रहे हैं, हाँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है उस्मान पता करने जा रहे हैं, कंफर्म करने। अभी यहाँ पे हमारा 20-25 मिनट का स्टे है, बैठेंगे मतलब, उसके बाद फिर हमारी ट्रेन आएगी फिर हम जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं बैठ के, ये है जी स्टेशन और टाइम हो रहा है 7:15, 7:16 हो रहे हैं सुबह के। ये हमारा लगेज, हाँ जी ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। उस्मान कह रहे हैं प्यास लगी, इस बार ना पानी की बॉटल्स नहीं लेके आई। ये एक ट्रेन आई है, इसके बाद दूसरी वाली हमारी आएगी। उन्होंने कहा कि पहली आएगी आपने उस पर नहीं बैठना, दूसरी आएगी तो उस पर आपने बैठना है। तो ये एक अभी आ गई है, इसके बाद हमारी आएगी और मैं अभी आगे जो है ना वो यहाँ पर जाके शिफ्ट हो जाती हूँ। उस्मान आ जाए, पानी शानी लेने गए हैं, आज बॉटल्स नहीं लेकर आए हम। अच्छा आप वीडियो बनाते हैं ना, इतना फ़र्क पड़ता है लाइट का, इतना फ़र्क पड़ता है आपके मुंह का कलर, आपके बालों का कलर, आपके सारे कलर जो है ना वो चेंज होते हैं। कभी आपकी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं क्योंकि वो शेड आ रहा होता है, और कभी आप रंग बिरंगी लगने लग जाते हैं। देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये देखें ये जा रही है, इसके बाद आएगी हमारी ट्रेन, इसके भी दो मुँह हैं। उस्मान साहब वापस आ गए, उनको पानी नहीं मिला। कुछ नहीं कब था ये तो, लेकिन दूर थी क्योंकि लोग तो पी रहे हैं पेप्सी पी रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है ना ऊपर मेरे लाइट लगी हुई है, बड़ी अच्छी लाइट आ रही है। जैसे यूं करती हूँ ना तो मुंह अजीब सा काला आ जाता है, और फिर उसके बाद अभी देखिए लाइट आ रही है तो लाइट से कितना फ़र्क पड़ता है, कितनी ज़्यादा वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होती है, स्किन की बालों की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। खैर अभी हमारी ट्रेन आएगी, हम जाते हैं और अपनी ट्रेन में बैठते हैं। भागे तो
तो अभी हम लोग रवाना हो गए हैं यहाँ पे, और मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ, और होप्स हो के थोड़े से व्लॉग भी आगे आपको थोड़े से चेंज और अच्छे लगेंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं घर में होती हूँ, लेकिन अभी ये है कि ईद के लिए जा रहे हैं, तो ईद का थर्ड डे ही है वैसे ये, लेकिन ये है कि चलें कोई नहीं, हम ईद अपनों के साथ ही मनाएंगे, और खैर अच्छा लगता है बस मिल के ही, वो कहते हैं ना दीद हो जाती है ईद हो जाती है, बस ऐसे ही कुछ हाल है। खैर जी, हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे ट्रॉम इतनी अच्छी लगती है, जहाँ जहाँ ये होती है ना मैं इसको देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखें ये कितने मज़े की लग रही होती है, पता नहीं क्यों इसको देख के मुझे इतना अच्छा लगता है हमेशा। तो चलें जी, अब हम चलते हैं घर की तरफ, और यहाँ पे सामान रख रहे थे, और मैं कोशिश करूँगी मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करती रहूँ, लेकिन बहुत लंबे लंबे व्लॉग्स तो शायद ना बन सकें, क्योंकि टाइम थोड़ा सा बिज़ी गुजरना है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि गैप बहुत आ जाता है और आप सब मुझे बहुत मिस करते हैं, और मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अच्छा जी, घर हम पहुँचे तो यहाँ पे 9:30 बज रहे थे, इस तरह का ही टाइम था। तो अभी यहाँ पे बन रहा है नाश्ता, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, बाकी तो सब इस टाइम पे उठ रहे होते हैं, और मेरे कज़न ने हॉस्पिटल भी जाना है, तो बाकी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी, मुझे लास्ट टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे बस अभी मज़ेदार सा गर्मा गर्म सा नाश्ता रेडी हुआ, और हमने मज़े का नाश्ता करके ना उसके बाद सोचा था हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे, फिर उठेंगे, क्योंकि हमारी आदत तो वही बनी हुई थी रात को जागने की। खैर जी, बड़े मज़े के यहाँ पे बने थे कबाब, और उसके साथ चीज़ ऑमलेट था, और ये चीज़ तो बहुत ही मुझे पसंद है, और साथ इतने मज़े के पराठे बने हुए थे ना, मैं कह रही थी अब मैंने बिल्कुल भी पराठे और ये चीज़ें नहीं खानी है। तो मैंने तो खैर अपने लिए रोटी पे फिर घी नहीं लगवाया था, मैंने कही मेरी तो प्लेन बनाना, लेकिन फिर भी बहुत मज़े के बने थे। तो ये था जी आज का व्लॉग, आज की वीडियो, इंशाल्लाह ताला आपके साथ कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो लाइक कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।